तो हे गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन गोल्डन फाइटर 2.0। और आज हम खेलने जा रहे हैं लाइफ 0 to 100। इस गेम में बेसिकली जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है उसी को दिखाया गया है। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलो गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट के हम गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम में स्टार्टिंग में हमें दो स्पर्म दिखाई दे रहे, एक ब्लू एक पिंक। तो हमें ब्लू वाला चाहिए क्योंकि ब्लू वाला यहाँ पर बॉय का है। तो चलो ब्लू वाला ले लेते हैं और ब्लू से इसका निषेचन करवा के एक बच्चे को जन्म देने वाले हम। और गाइस, स्पर्म आ चुका है अंडाणु के पास, तो निषेचन करवाने के लिए ये अंदर जाएगा तभी तो निषेचन होगा। तो चलो इसको जल्दी से अंदर भेज देते हैं। चलो चलो फर्स्ट शॉट, ओ भाई चला जाए यार, चला गया। चलो इंडियन बेबी को जन्म दे देते हैं हम एक। और गाइस, फाइनली अपने बेबी का जन्म हो चुका है। चलो इसका स्टार्टिंग में नाम पूछा जाएगा। चलो नाम बताओ गाइस, इसका क्या नाम रखे। चलो इसका रखते हैं रंगीला डॉन। चलो RANGILA रंगीला डॉन, भाई डॉन पूरा नहीं लिखा रहा है यार। चलो इसको रंगीला रख देते हैं। नेम तो अच्छा है ना गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अपना रंगीला हो चुका है यहाँ पर 1 साल का और अभी तक भी घुटनों से चलता है बेचारा। चलो 1 साल का अपनी स्टेप हो चुकी है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे यहाँ पर बच्चा रो रहा है यहाँ पर बैठे बैठे, और मम्मी पापा सामने बैठे हैं, देखते हैं किसके पास जाएगा। ओ भाई, दोनों उसको बुलाने की ट्राई कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं किसके पास जाएगा। और यहाँ तो ऑप्शन आ गया, चलो मोम के पास ही चलते हैं। चलो मोम के पास जाएगा अपना रंगीला, देखते हैं क्या होता है आगे। ओ भाई, मम्मी यहाँ पर दूध पिला रही है भाई बच्चे को। और बेसिकली जो छोटा बेबी होता है वो तो दूध ही पिएगा, खाना थोड़ी ना खाएगा। ओ भाई, स्टेप पूरी भी होगी, दूध पिया बस स्टेप पूरी। 2 साल का हो गया, अभी भी घुटनों के बल चल रहा है। देखते हैं बच्चे की 2 साल की जिंदगी कैसी होगी। ओ भाई, यहाँ तो स्ट्रगल लाइफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे इन सबको पार करके मम्मी तक पहुँचना होगा रंगीला को, तभी ये सक्सेस कर पाएगा इसको। तो चलो भाई, कर लिया भाई। भाई रंगीला अपना डॉन है भाई, देखो हो गया भाई। तो 2 साल की जिंदगी अपनी कट चुकी है, हम सफर कर रहे हैं इधर डायरेक्ट 3 साल में। तो रंगीला यहाँ पर हो चुका है 3 साल का, अभी भी घुटनों के बल चल रहा है। ओ भाई, रंगीला के कपड़े चेंज हो चुके हैं। चलो ओ भाई, अभी भी घुटनों के बल चल रहा है 3 साल का बच्चा। नहीं नहीं, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। चलो इसमें से क्या लेना है। चलो बेसिकली अपन टॉय लेंगे गाइस। चलो टॉय को उठाते हैं यहाँ पे और खेलना स्टार्ट करेगा अपना रंगीला। ओ भाई, ये तो स्टार्टिंग में इसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया इसने तो। ओ भाई, कहानी में ट्विस्ट, उसके पापा यहाँ पर आ चुके हैं और खिलौने भाई तोड़ दिए भाई रंगीला ने। ये देखकर उसके पापा को बड़ा गुस्सा आ रहा है शायद से उसके ऊपर, कि ये क्या कर दिया तूने चिमकांडी। चलो 3 साल में रंगीला ने बहुत शरारत की, अब डायरेक्ट हो चुका है यहाँ पर। ओ भाई, अभी भी घुटनों के बल, ये क्या सीन है। अच्छा अच्छा, ये 5 इयर्स का हो चुका है यहाँ पर डायरेक्ट, और कपड़े चेंज। चलो 5 साल की जिंदगी कैसी होगी रंगीला की, देखते हैं। रंगीला शायद से स्कूल में जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो लंच टाइम इधर स्कूल के अंदर ही है शायद से। और ये यहाँ पर पीछे लड़की बैठी हुई है, तो रंगीला यहाँ पर कुछ शरारत करेगा शायद से। ईट एलोन और इनवाइट फॉर लंच। चलो लंच पर इनवाइट करते हैं, क्या होता है देखते हैं। ओ भाई, ये तो उठकर लड़की के पास चला गया और शायद से ये पूछ रहा है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, और लड़की मान भी जाती है भाई, रंगीला बहुत खतरनाक है अपना। ओ भाई, देख सकते हो अब लाइफ का यहाँ पर टर्निंग मोड आ चुका है, अब दूसरे ही सफर पर निकल चुकी है रंगीला की लाइफ। 6 साल का हो चुका है यहाँ पे। चलो यहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है और उससे बोल रही है कि ओ भाई, टॉयलेट साफ करने की बोल रही है ये तो। अरे इतना क्या गंदा काम दे दिया भाई रंगीला को, क्या करे बेचारा। मम्मी का कहा तो मानना ही पड़ेगा, वरना उसको खाना नहीं मिलेगा, इस वजह से वो यहाँ पर टॉयलेट साफ कर रहा है बेचारा। ओ भाई, क्लीन हो जा जल्दी जल्दी, बहुत मेहनत करवा रहा है ये बेचारे से। और क्या गाइस, आपकी मम्मी भी आपसे ऐसा कुछ बोलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनली रंगीला ने यहाँ पर टॉयलेट को चमका दिया भाई। भाई 6 साल की जिंदगी तो बहुत खतरनाक रही। चलो 7वें साल में देखते हैं क्या होता है इसके साथ। ओ भाई, ये तो स्टार्टिंग में कहीं बीच पे आ गया है मेरे को लगता है वहाँ तक। नहीं नहीं, यहाँ पर तालाब के पास है, और इसको क्या करवाते हैं, चलो फिशिंग करवाते हैं, मजा आएगा गाइस। चलो फिशिंग करवाते हैं इससे, मछली पकड़ भी पाएगा या नहीं पाएगा ये। चलो देखते हैं इसकी स्ट्रगल लाइफ क्या होता है। बेचारा अभी तक बहुत ट्राई कर रहा है, बट एक भी मछली इसके जाल में नहीं फंस रही है, देखते हैं। और ओ भाई, सामने लड़कियाँ क्या कर रही है, यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रही है शायद से। ओ भाई, इसके इसमें मछली अभी तक नहीं फंसी है यार, देखते हैं क्या होता है। भाई भाई, फंस जाए एक मछली यार, जिंदगी का सवाल है भाई। ओ भाई, फंसा ली मछली, बहुत अच्छा भाई। 7 इयर्स की लाइफ में मछलियां पकड़ी है इसने। चलो 8 साल की उम्र में देखते हैं इसमें क्या होता है भाई। अच्छा अच्छा, ये 4-5 बच्चे मिलके छिपन छिपाई गेम खेल रहे हैं। हमने भी खेला है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना आपने खेला है नहीं खेला। और इसमें शायद इन 4 बच्चों को पकड़ना होगा रंगीला को, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। भाई मेरे को लगता है वहां तक पूरा 100 साल का हो जाएगा यार। भाई एक बच्चा पकड़ा गया, चलो बहुत ही अच्छा। चलो दूसरा भी,
चलो एक और पकड़ना पड़ेगा शायद से, चार तो नहीं एक और, चलो हो गया भाई अपना। और गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि रंगीला 9 साल का हो चुका है और 9 साल की लाइफ में क्या करने वाला है वो। तो शायद से ये घर के अंदर है और टेबल के पास जाकर इसने गैरेज को खोला और इसमें से चलो क्लोन को उठाते हैं, क्लोन से क्या होगा। ओ भाई ये तो जोकर बन गया पूरा ही। ओहो हो, ये तो उसको पहन कर बाहर जा रहा और सामने वाली लड़कियों ने भी सेम ड्रेस पहनी हुई है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये सामने की साइड जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इनके सामने। जोकर ड्रेस में बहुत ही एंजॉय कर रहा। ओ भाई सामने बैटमैन आ गया। ओ भाई इसने तो सीधा अटैक कर दिया भाई रंगीला के ऊपर और उसको नीचे भी गिरा दिया शायद से। ओ भाई हड्डी पसली एक कर दी यहाँ पर बेचारे। इससे हमारा डिसीजन यहाँ पर गलत हो चुका था यार, इसलिए रो रहा बेचारा रंगीला। इसको ना अच्छा फैसला लेना चाहिए था। और यहाँ से उसने जैसे गैरेज को खोला ना, तो यहाँ पर चलो बनाना लेते हैं इस बार। ओ भाई बनाना पहन लिया इसने तो, और अब देखते हैं क्या होता है आगे। आगे सेम वही लड़कियां यहाँ पर दिखाई दे रही है और इस बार वो जाने एप्पल पहन रखा है शायद से, और इस बार बैटमैन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना होगा। वो सामने की साइड जा रहे शायद से, अरे इस बार बैटमैन नहीं मिला यार। चलो यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन आ चुके हैं, नाइस हाउस स्पोकी हाउस। तो चलो अच्छे घर में चलते हैं यार, अच्छे हैं भाई। चलो आ चुके हैं आंटी जी, आंटी जी गेट खोलो गेट खोलो। अरे भाई खतरनाक आंटी, अरे इसने तो गेट लगा दिया भाई, बेइज्जती कर दी हमारी भाई। शायद से हमें गंदे हाउस में ही जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर स्पोकी हाउस अपन क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि वहाँ भी हमारी बेइज्जती होती है या फिर क्या होता है। तो रंगीला जा रहा है अपने तीनों दोस्तों के साथ गंदे हाउस में और उसने यहाँ पर गेट को नॉक किया और गेट में से यहाँ पर, ओ भाई ये क्या निकला। ओ भाई इसने तो पैसे दिए भाई बदले में, भाई बहुत अच्छा भला मानुस निकला भाई ये तो। और गाइस अब रंगीला बढ़ रहा है यहाँ पर 9 साल से डायरेक्ट 10 साल का, और 10 साल में देखते हैं इसके साथ क्या होता है बेचारे के साथ। चलो ओ भाई ये तो डायरेक्ट स्विमिंग पूल, साथ में उसके पापा है। ओ भाई लड़की नीचे से निकल गई और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा कीप ट्रेनिंग आई एम रेडी, मैं तो रेडी हूँ भाई। चलो देखते हैं क्या करता है रंगीला यहाँ पर, इसने रेडी का डिसीजन। ओ भाई ये तो डूब रहा है स्विमिंग पूल में बेचारे ने, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग का ऑप्शन लेना चाहिए था, बेचारे को ट्रेनिंग नहीं मिली तो तैरेगा कैसे। चलो इस बार ट्रेनिंग का लेते हैं क्या होता है देखते हैं। भाई ये देखो भाई सेड हो रहा बहुत ही ज्यादा, चलो इस बार ट्रेनिंग लेंगे भाई, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर तैरेगा या नहीं तैरेगा वो देखा जाएगा। कीप ट्रेनिंग एक घंटे बाद, चलो देखो भाई ट्रेनिंग के बाद रंगीला तैर नहीं भाई तोड़ रहा है पानी के अंदर, देख ही सकते हो आप लोग। और यहाँ पर 10 साल से सीधा 11 साल का हो चुका है हमारा रंगीला और 11 साल में क्या करता है देखा जाएगा। चलो सामने उसके पापा यहाँ पर शायद से नलची लगा के कार को धोने, ओ भाई मैं समझ गया कार धुलवाएंगे इस बेचारे से मासूम से बच्चे से। और यहाँ पर वो एक कार धोने भी लग गया, देखते हैं कब तक ये कार धो पाएगा। फाइनली बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ बेचारे ने कार को धो दिया है और 11 से ये डायरेक्ट हो चुका है यहाँ पर 12 साल का हो चुका है। और अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है एक, देखते हैं इसकी जिंदगी में कौन सा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पर ये आ चुका है शायद से चर्च वगैरह में, हाँ चर्च वगैरह में, और हमें यहाँ पर भगवान पे विश्वास रखना चाहिए यार, सही है। चलो भगवान पे विश्वास रख के देखते हैं क्या होता है हमारी जिंदगी में। चलो यहाँ पर पादरी आ गया, चलो ओ भाई ये तो आशीर्वाद दे रहा है हमें, चलो बहुत ही अच्छा भाई, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए यार। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओ भाई ये तो पूरी होगी बस, ये इतना सा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा अच्छा ये दो रास्ते थे, एक तरफ नास्तिक एक तरफ आस्तिक। और गाइस अब हमारा रंगीला किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो देखते हैं उसके सामने क्या क्या स्ट्रगल आने वाला है। 13 साल का हो गया हमारा रंगीला और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो ये स्टार्टिंग में गेट खोल के शायद से कॉलेज के अंदर, हाँ हाँ मैं समझ गया, ये देखो कॉलेज का ग्राउंड है और लड़के खड़े हैं। चलो देखते हैं कॉलेज लाइफ में क्या होता है। ओ भाई स्नूबड़े ने तो नीचे गिरा दिया उसको और सारे चिमकांटी उस पर हंस हंस कर बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे। चलो फाइट करूंगा मैं इसको, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा साले को। रुक बेटा तेरे को बताता हूँ मैं, साले तू मेरे को जानता नहीं है क्या है। भाई बहुत सारे बच्चे आ गए आमने सामने और पंच मैंने वीक मारा बट यार अच्छा ऐसा नहीं लगा। ओ भाई ये भी मेरे को मार रहा, चलो रुक साले मैं तेरे को बताता हूँ अभी रुक। ओ भाई मर ही नहीं रहा, ये तो नीचे ही नहीं गिर रहा, इतना परफेक्ट लौंडा है क्या। चलो एक शॉट लगेगा ना तेरे साले, हवा में उड़ जाएगा तू। ओ भाई परफेक्ट ये गया। और ये देखा गाइस आपने कॉलेज लाइफ में, जिसकी लाठी उसकी बेस, जो शक्तिशाली होगा उसी के साथ सारी पब्लिक हो जाती है। और चलो 13 साल से हो चुका है यहाँ पर रंगीला 14 साल का, और 14 साल में देखते हैं कॉलेज लाइफ में क्या क्या एंजॉय करता है ये। चलो गर्लफ्रेंड उसकी यहाँ पे खड़ी है और उसको पहुंच के गर्लफ्रेंड तक जाना पड़ेगा और इतने सारे बंदे उसके रास्ते में आएंगे, सबसे लड़ते हुए उसको वहां तक जाना पड़ेगा। तो चलो बहुत ही अच्छे से वो यहाँ पर पहुंच चुका है अपनी गर्लफ्रेंड के पास।
अंगिला यहाँ पर बहुत ज्यादा छपरी हो गया भाई, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा। ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हफलेट कर रहा, और देखो यहाँ पर किसिंग विसिंग भी करने लग गया, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है हमारा लौंडा। तो चलो यहाँ पर 15 साल का हो चुका है रंगीला, और यहाँ पर बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये यहाँ पर अपने घर के अंदर सो रहा है शायद से, देखते हैं आगे क्या सीन होने वाला है। अच्छा, अभी मॉर्निंग हुई है और सो के उठा ये जस्ट, तो ये यहाँ पर सोचेगा कि स्कूल जाऊं या फिर नहीं जाऊं शायद से। ये देख सकते हो यहाँ पर मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ भाई, बिगाड़ने वाले हैं इसको रंगीला को पूरी तरह, देखते हैं इसकी जिंदगी कैसी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे छपरी लड़के खड़े हुए हैं, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं रंगीला क्या करता है भाई, थप्पड़ तो नहीं मारेगा ना गर्लफ्रेंड को? ओ भाई ये तो सारे लगते हैं जहाँ तक फ्रेंड है, और ये यहाँ पर कुछ ट्राई कर रहे हैं। ओ भाई ये तो सामने की साइड भग गए। ओ भाई रंगीला बिगड़े हुए लड़कों के साथ में हो गया, स्कूल विस्कूल जाना बंद करके जंगल की साइड भग गया ये नुबड़ा तो। चलो इसके 15 साल भी खत्म हो चुके हैं और ये डायरेक्ट हो चुका है यहाँ पर 16 साल का, और देखते हैं 16 साल में ये क्या कुछ करने वाला है अपनी जिंदगी के अंदर। तो ये यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जंगल के अंदर है, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है सीन। यहाँ पर सामने शायद से झील वगैरह है, और लड़के यहाँ पर, ओ भाई ये तो जंप कर गया उसमें, ये दूसरा भी जा रहा, तीसरा भी जा रहा, सारे जंप कर रहे हैं भाई, क्या होने वाला है यहाँ पे। और अभी रंगीला और उसकी गर्लफ्रेंड बची हुई है और दोनों बात कर रहे हैं, वो पूछ रही है भाई जंप करोगे? रंगीला ने यहाँ पर मना कर दिया, भाई मैं नहीं कूदूंगा, मेरे को बहुत डर लगता है। और वो बोलते हैं कि चल हट फट्टू साले यहाँ से, और वो यहाँ पर चली जाती है, और शायद उनका यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। चलो बहुत ही अच्छे, एक और टर्निंग पॉइंट आ चुका है इसकी लाइफ में, और 16 से हो चुका है ये 17 साल का, और 17 साल में देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। ओ भाई रंगीला ने पीसी सेटअप भी है और गेम खेल रहा, और वो गर्लफ्रेंड अभी भी है उसकी। ओ भाई ब्रेकअप नहीं हुआ था शायद से यहाँ पे, तो गेम खेल रहा है यहाँ पे, और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, ये नूबड़ा साला गेम ही गेम खेलता है। और उसको प्लग दिख गया भाई, प्लग निकाल दिया उसने, और इस बात से रंगीला को बहुत ही भयंकर गुस्सा आएगा। चलो हक करते हैं यार, हक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो हक हेयर पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, हक करते हैं। ओ भाई लड़की का बहुत ही खतरनाक एटीट्यूड है यहाँ पे, वो तो जा रही है, लगता है अब वो आए यहाँ पर रंगीला का फाइनली ब्रेकअप। और वो यहाँ पर 17 से हो चुका है डायरेक्ट 20 साल का हो चुका है गाइस, और यहाँ पर शायद से वो युवा अवस्था में आ चुका है अब, और अब उसकी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है, कमाल का होने वाला है गाइस, देखते हैं। चलो रंगीला 20 साल का तो हो चुका है, परंतु बेचारा बेरोजगार है, और इसके पास एक मोबाइल चला रहा है ये, और यहाँ पर उसकी शादी का टाइम आ चुका है, तो शादी में वो गर्ल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है भाई, इसको तो रिजेक्ट करते हैं, ये ज्यादा ही मॉडर्न है थोड़ी। चलो ये चलेगी गाइस, चलो इससे करते हैं इसकी शादी रंगीला की, क्या होता है देखते हैं आगे। तो आई होप गाइस रंगीला की 20 साल की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट पार्ट भी इसका आने वाला है जिसके अंदर इसकी आगे की पूरी लाइफ दिखाई जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को यस लिख देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे सेट कर देना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।